हेल्थ संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मोटापे को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। आज की डेट में अनियमित खान पान और दिनचर्या की वजह से मोटापा एक कॉमन समस्या है, और एक समस्या ही नहीं कई समस्याओं की जड़ भी है मोटापा। तो आज के पूरे वीडियो में यही बात कि मोटापा को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या हो सकता है ना। तो देखिए, मोटापा है क्या कि ओवरवेट, एक्सेस वेट ना। तो इसको पता करने के लिए आप अपनी लंबाई सेंटीमीटर में नाप लीजिए और उसमें से 100 में 100 घटा दीजिए। 100 घटाने के बाद जो आता है वही एकदम आइडियल बॉडी मास है, यानी उतना वजन होना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए कि आप मोटापे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई 175 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 75 आएगा, मतलब उसको वजन 75 kg के आसपास रखना चाहिए ना। तो उतनी ही ऊर्जा लें जितनी ज़रूरत है, अन्यथा बचे पोषक पदार्थ मोटापा बढ़ाएंगे और बीमारी भी। यानी उतनी ही फूड सप्लीमेंट लें जितना कि आप काम करते हैं। शारीरिक रूप से एक्टिव रहना मोटापे की सर्वश्रेष्ठ दवाई है। लोग क्या करते हैं कि सुबह 1 घंटे कुछ जिम चले गए, मेहनत कर लिया, उसके बाद दिन में कोई मेहनत नहीं करते हैं। तरीका है कि आप अपने ढेर सारे काम खुद से करिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। देखा है कि जो ऑफिसर्स लोग हैं वो अपने से स्विच बोर्ड तक पहुंच नहीं पाते और ऑन ऑफ नहीं कर पाते ना। तो इसी तरीके से आप घर में पानी अपने से ले सकते हैं, पानी पीने के लिए सीढ़ी पर जा सकते हैं, कुछ सामान किसी से मंगाना हो तो आप चिल्लाने लगते हैं कि ले ले आओ, वो ले आओ, आप खुद भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्टिव रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 5 सब्जियाँ हैं जो लगातार अगर आप सेवन करेंगे तो मोटापा आपका कम हो जाएगा। करेला स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन इसमें अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह शरीर में स्थित वसा, जो फैट डिपॉजिट है ना, उसको कम करता है और वसा को बर्न भी करता है ना। तो औषधीय गुण पाए जाते हैं, यह शरीर में स्थित वसा को जलाता है, चर्बी घटाता है, शरीर के ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगियों के लिए करेले का जूस अमृत समान है। यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इसके ऊपर, करेले में। और ख़ास बात दूसरा है, खीरा खाने से पेट भरा भरा लगता है, जिससे भूख में कमी आती है। और इसमें कद्दू के गुण पाए जाते हैं, इसमें 90% पानी की मात्रा होती है। इसको भोजन के साथ सलाद के रूप में प्रयोग करें, और सलाद के रूप में आप प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो फैट को डिपॉजिट नहीं होने देते हैं। इसको भोजन के साथ सलाद के रूप में प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके इसे बिना छीले ही खाएं। इसके छिलके में फाइबर और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो मुलायम खीरा ले लें आप, उसको खाएं ना। तो करेले खीरे का आप सेवन करें, जब भी आप मौसम में मिलते हैं आप उनका सेवन स्टार्ट करें, काफ़ी काम के होते हैं। कद्दू की सब्जी खाने में कुछ मीठी लगती है, सुबह के वक्त इसका सेवन करें। कद्दू की सब्जी खासतौर से इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आँखों के लिए तो काम करता ही करता है। इसके अंदर कैरोटीन पाया जाता है जो मोटापा कम करने में सहायक है। कद्दू को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। वजन कम करने के लिए कद्दू की सब्जी, जूस और सलाद का विशेष महत्व है। तो आप करेला, खीरा और कद्दू के साथ, ब्रोकली में वसा बिल्कुल भी नहीं होती है, यह विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है, यह जल्दी पच जाती है। इसमें विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। तो जो विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो तत्व हैं ना, बॉडी के जो एंजाइम हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और यह सब्जी मोटापा कम करने में मददगार होती है। तो आप ब्रोकली का भी सेवन करें, और ब्रोकली के जो कंपोनेंट्स हैं, देखिए फैट इसमें खुद ही नहीं है, तो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे फैट नहीं रहने देगा। और लास्ट में है लौकी। लौकी में कम कैलोरी होने के साथ ही प्रचुर रेशा और
पानी की मात्रा होती है जो भूख को नियंत्रित रखती है। अपने दिन की शुरुआत एक गिलास लौकी के जूस से करना उचित है, इससे शरीर को फाइबर मिलता रहेगा। और शरीर को अगर फाइबर मिलेगा तो पेट सही रहेगा, गैस नहीं बनेगी, और जब गैस नहीं बनेगी तो कई समस्याएं बॉडी में ओरिजिनेट नहीं होगी। तो लौकी के जूस का सेवन करना उचित है, इससे शरीर को फाइबर मिलेगा और कैलोरी कम होगी। लौकी के जूस को छानना नहीं चाहिए, छानने पर इसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाती है। तो इस तरह से आप इन 5 सब्जियों का सेवन कीजिए, और मोटापे को कम करने के लिए एक्टिव रहना ही सबसे बड़ी दवा है। तो आप फिजिकली एक्टिव रहिए और हेल्थी भी रहेंगे। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। देखिए, हम लोगों के आसपास के जो केमिकल हैं वही हम लोगों को स्वस्थ बना